विष्णु सर, अब देखिए मैंने सब कुछ यहाँ बताया किसके क्या दावे हैं और किसकी क्या ताकत है, लेकिन मैंने जो आप जाने से पहले बिग वॉल पर एक रेफरेंस दिया था कि जब हमने ये देखा कि अफगानिस्तान की फोर्स और तालिबान के लड़ाकों के बीच भीषण जंग चल रही थी और उन्होंने 30-40% अफगानिस्तान, मैं आ रहा हूँ अजय सर आपके पास आ रहा हूँ, 30-40% ही उन्होंने कब्जा किया था, तभी दावा हो गया था तालिबान का कि हमने 85% ऑफ अफगानिस्तान कब्जा कर लिया है, तो उसको देखते हुए और जिस तरह से इन्होंने प्रोपेगेंडा पूरे इस दरमियान फैलाया है तालिबानियों ने, क्या उनके इस दावे पर कि हमने पंजशीर पर कब्जा कर लिया या पंजशीर में हम मजबूत हो गए, आपको भरोसा होता है? देखिए गौरव जी, जो युद्ध है उसका एक जो हिस्सा है, बिल्कुल इंटेग्रल पार्ट है, वो मनोवैज्ञानिक युद्ध भी है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि दोनों पक्ष अपनी अपनी तरफ से बढ़ा के बात करेंगे और अपना नुकसान घटा के बात करेंगे। पर अगर हम देखें तो साले साहब ने ये माना है कि दोनों तरफों को नुकसान हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है, तालिबान को भी नुकसान हुआ है, कितना हुआ है ये मालूम नहीं है, पर जैसे आप कह रहे हो मुश्किल ये है कि तालिबान के साथ कई देश जुड़े हुए हैं, कई ताकतें जुड़ी हुई हैं, पंजशीर अकेला पड़ गया है और पंजशीर को घेर लिया गया है, और ये एक ऐसा युद्ध नहीं है जो कि बराबरी का युद्ध हो, क्योंकि पंजशीर का पलड़ा भारी कम है, इसमें कोई शक नहीं है, पर बड़े बहादुर लोग हैं, कब तक लड़ पाएंगे इस पे मुझे शक है। ठीक है, अजय सर कुछ कहना चाह रहे हैं, अजय सर बताइए क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं दो बातें बताना, एक तो विष्णु सर ने मेरे से पहले ही उसको बता दिया कि एक हौसला लड़ाई में बहुत जरूरी होता है, दैट एक्सटेंट सर आपसे बेहतर कौन बता सकता है। बिल्कुल, दो चीजें बहुत जरूरी हैं जो इसमें है कि बड़ा फोर्स ना, पहाड़ों में एक बड़ा सिंपल प्रिंसिपल होता है 1:10 का रेशियो अगर आप जीतना चाहते हो, कि अगर एक पंजशीर में ताजिक है तो उसके मुकाबले 10 तालिबान होंगे तभी वो जीत पाएंगे, 1:10 का रेशियो अभी भी नहीं है, तो तालिबान का ये क्लेम करना कि हम इनको उड़ा देंगे असंभव है। दूसरा, ये जितने ये इधर उधर के लोग उनके साथ आके मिल रहे हैं, एक फौज में कोऑर्डिनेटेड जब तक रिस्पॉन्स नहीं होता तो जीत पाना आसान नहीं होता, क्योंकि अगर जो ताजिक का क्या है वो एक मोनोलिथ है, एक साथ है, वो अपनी जमीन के लिए लड़ रहे हैं, अपने घर के लिए लड़ रहे हैं, तो उनमें जो एक साथ लड़ने का जो जज्बा होगा वो तालिबान से इस वक्त ज्यादा होगा। तालिबान अभी जो है वो की लड़ाई की हमें इसको कब्जा करना ही करना है, तो ये जो बाहर वाले इंसान आए, लेकिन हाँ एक एलिमेंट जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है वो है लीडरशिप। आज की तारीख तो आपने पहले बोला कि जो ISI का ये पाकिस्तानी लीडरशिप है जो इनको, मैं मानता हूं कि पाकिस्तानी बहुत ज्यादा लड़ने के लिए 2 करोड़ जैसे बोल रहे थे, ऐसा कोई नहीं, 2-2.5 करोड़ कुछ कभी नहीं आएंगे, लेकिन लड़ाई में ऐसा एक पुरानी कहावत है कि 100 भेड़ों के ऊपर अगर एक शेर हो तो वो ज्यादा मजबूत फोर्स है, 100 शेरों के ऊपर एक भेड़ू हो तो सबसे कमजोर फोर्स है। तो यहाँ पे पाकिस्तान की प्रोफेशनल आर्मी के लोग जो उनको लीडरशिप और प्लानिंग में तालिबान को मदद कर रहे हैं उससे मदद जरूर मिलेगी। ठीक है, लेकिन ये लड़ाई है, बातें चल रही है, क्योंकि आपने जो फोटो भी दिखाई ये कोई एविडेंस एक्सक्लूसिव नहीं है, फोटो दिखा देना कि गवर्नमेंट राउत के फोटो तो तालिबान की तरफ से जारी की जा रही है। मैंने हर बात कहा, हर बार कहा कि ये तालिबान का दावा है, ये किसी रेपुटेड एजेंसी से आ रही होती तो मैं उसको भी कोट करता सर, ये तालिबान अपने दावे के तहत ये फोटोज डालता है, और उधर से पंजशीर से भी दावे ऐसे ही होते हैं, ऐसे ट्विटर हैंडल से फोटोज आ रहे हैं जहां पंजशीर प्रोविंस का नाम लिखा है और वो अपने दावे कर रहे हैं। फिक्र आपकी सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।